बात सुनो, ये जो बनाते हैं ना वीडियो, तो इनके गांव वाले क्या कहते हैं भैया, आप ही बता दो क्या कहते हैं आपके गांव वाले? भैया कहते हैं कि कब्र में जाकर भोगेंगे भोगेंगे। सुबह का इस समय 9 बज रहे हैं और आज यार हम जा रहे हैं शादी में। ये इस सीजन का फर्स्ट शादी में हम अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं पचपड़वा, यानी कि जो मामू हैं, मामू की लड़की यहाँ शादी है, वहाँ से आया है दावत। तो पचपड़वा से कई जो कम से कम 15-20 किलोमीटर अंदर जाना है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम भी पहली बार जा रहे हैं, अभी तक हम कभी नहीं गए हैं। हमने कहा चलो यार वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं और वहाँ का सारा चीज़ दिखाते हैं। भाई आज कोहरा इतना ज़्यादा है ना कि सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा जो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, रोड नहीं दिख रहा ना, इतना ज़्यादा कोहरा है। तो ये यहाँ का कुछ ऐसे हलचल है, ऐसा नज़ारा जो आप देख सकते हैं स्टेशन का। ट्रेन आने की दूरी है, देरी है, सॉरी दूरी नहीं, ट्रेन आने की देरी है। तो निकलते हैं, इस ट्रेन आ चुकी है एकदम पास ही में है, दिख रही है। ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बस आ जाने दो, ट्रेन को बैठते हैं और चलते हैं भाई, निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। और हम लोग बैठते हैं, जो आप निकलते हैं। तो भाई चलो बैठा जाए। तो ये कुछ नजारा है ट्रेन का जो आप ये देख सकते हैं। ये देखो तो भाई फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पचपड़वा स्टेशन पे, जो आपको ये दिखाते हैं। ये कुछ नज़ारा है पचपड़वा स्टेशन का, तो चलते हैं स्टेशन के पीछे से। ये पचपड़वा स्टेशन के पीछे का कुछ ये नज़ारा है। एक चीज़ हम अक्सर नोटिस किए, जब टिकट लिए रहो ना, तब अक्सर टीसी वगैरह आते ही नहीं, कभी नहीं आएंगे चेक करने, और जब नहीं लिए तो अधपदाई का आओ चेक करें। तो चलते हैं यार, देखते हैं क्या किससे जाना, अभी हमको कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं है, रास्ता पूछते पूछते जाएंगे। अगर वो दो पल रुका खाबों का कारवा और फिर चल दी। हम पहुंच गए हैं यहाँ गणेशपुर, जुड़ी कुइयां से बैठे थे और गणेशपुर कम से कम हमको 20 मिनट लगा है आने में, और मामू का इंतज़ार कर रहे थे यार, तो मामू तो निकल गए खैर अपनी गाड़ी से ही, और हम बचे अकेले। तो एक आ रहे हैं भाईजान ना, तो उन्हीं के साथ जाएंगे, वो अपना बाइक वगैरह में कुछ दिक्कत है, तो वही आ रहे हैं सही करवाने। तो गणेशपुर के मार्केट आपको दिखाते हैं, जो आप ये देखिए कैसी मार्केट है यहाँ की। तो भाई ये देखो मार्केट कुछ ऐसी है गणेशपुर की, ये देखो पूरी मार्केट यही है, पचपड़वा जुड़ी कुइयां से यही रूट आता है और हमको इस रूट पे चलना है। तो हम चल रहे चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आने ये है छोला समोसा और चाय, तो खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई वहां से हम कुछ दूर आने के बाद यहाँ पे कुछ मार्केट वगैरह लगती है जो आप देख सकते हैं, ये है। चलते हैं यार आगे की तरफ, फाइनली मिल गए, ये देख लो। और कैसे हैं भैया? अरे बोले भैया कैसे हो यार? भैया नाम बताओ, क्या लाए लंबाई को? एक महीना हो गया। अच्छा तो भाई फाइनली हम पहुंच गया, अब चल रहे हैं, इन लोग का इंतजार था, मिल गए यार, बहुत देर से खड़े थे यहाँ पे इंतजार में, इनका फोन ही नहीं लग रहा था भाई जान, आपका फोन ही नहीं लग रहा था यार, बहुत बार ट्राई किए। अच्छा तो भाई निकलते हैं, अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं पे गांव ही में। तो भाई हम लोग मेन रोड से अंदर की तरफ चल रहे हैं, और ये देखो कुछ इस तरह है, ये रोड निकल रहा है, ये इस रोड का नाम है बलदेव नगर, मध नगर, बलदेव नगर। यार मध नगर हम बोल रहे थे भाई जान ना, तो वहां पे पछड़ों को समझ ही नहीं पा रहा था, कह रहे थे मध नगर कहाँ पड़ता है यार। हाँ तो फिर गणेशपुर बोले तो कह रहे हाँ गणेशपुर चलो।
गांव की रोड भाई तो बहुत टॉप की बनी है यार, एकदम आरसीसी रोड है भाई। छोटा सा गांव लेकिन मेन रोड जो है आरसीसी बना दिए। ये देख लो, ये है मधुनगर भाई। चलो भाई ये देख लो, ये कुछ हिस्सा है। स्कूल वगैरह तो बहुत जबरदस्त बना है यार यहाँ का। भाई ये देख लो, यहाँ पे शादी का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, खाना वगैरह बन रहा है। ये घर है जो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह घर है और वहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है जो आप ये देख सकते हैं। चूल्हा कैसे बनाया हुआ है, यानी नाश्ता वगैरह तो कर लिए, तो सोचा कि यार चलो आपको थोड़ा सा गाँव का टूर करा देते हैं, क्योंकि गांव का टूर भी कराना जरूरी रहता है ना, क्योंकि जहां गए तो वहां उस गांव का भी दिखा दे, उसके आसपास का चीज क्या दिखा दे, देन उसके बाद हम आपको शादी जब बारात वगैरह आ जाएगी, खाना वगैरह खिलाने लगे तब आपको हम दिखाएंगे ये सारा चीज, तो बने रहिए। तो चलते हैं भाई, थोड़ा सा गाँव का ये कुछ यहाँ का नजारा है। गाँव तो काफी बड़ा है यार, और देखे तो ये गाँव काफी डेवलप है, अच्छा है, यानी घर वगैरह तो अच्छा खासा बने, क्योंकि यहाँ पे छप्पर वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कमी गिने चुने होंगे, नहीं तो एकदम ये गांव मेरे गांव के जैसा ही है। और यहाँ पे आरसीसी रोड वगैरह सब कुछ बना है, तो जो आप ये देख सकते हैं रोड कुछ इस तरह पूरे गांव में बना है, तो ये कुछ इस तरह नज़ारा है। और वो जो है वो स्कूल है, तो ये देख सकते हैं आप। तो भाई ये देख लो कुछ इस तरह है, यहाँ पे सारे जानवर वगैरह हैं, और हम आपको लेके चलते हैं गाँव के बीचों बीच में, है ना, तो देखियो कैसे है गाँव बसा है। बड़ी मस्जिद है, मस्जिद भी काफी खूबसूरत है गांव का, ये कुछ हाल मस्जिद का, मस्जिद तो काफी खूबसूरत बना है पूरी तरीके से देख सकते हो, तो ऐसा कुछ नजारा है। मस्जिद भी काफी अच्छी बनी है, पूरा तरीके से टाइल्स वगैरह तो लगा है मस्जिद पे यार, कुछ यहाँ पे नजारा है। घर वगैरह तो बेहतरीन बना है सबका, जो आप ये देख सकते हैं। इधर देख लो कुछ ये है, कुछ ये है, ये ऐसा है कुछ खास, ये देख सकते हो ये गांव का एंड है, वहां तक है और यहां तक हम आ गए एकदम आखिरी छोर तक। तो आपको बता दें कि यार ये गांव काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है, और पूरे गांव में सड़क और नाली एकदम बेहतरीन से बना है, घर भी अच्छे अच्छे बने हैं, कोई छप्पर उप्पर वाला तो घर नहीं नज़र आ रही। हम आ गए यहाँ मेन रोड पे, और ये है हमारे मामू का लड़का, बे बोल कह रहा है कि हम भूखे हैं। तो भाई यहाँ पे जो है निकाह के लिए सारा चीज इंतजाम किया गया है, यहीं पे निकाह होगा, और वहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा बहुत, बाकी इधर गांव वालों को खाना वगैरह खिला रहे हैं, देख सकते हो आप ये देख। तो गाँव वालों को यहाँ खाना वगैरह स्टार्ट कर दिए खिला, से पहले आप ये देखो यहाँ पे छोटा सा गार्डन वगैरह बना दिए, गार्डन क्या थोड़ा सा क्यारी बना दिए, यानी कि साग सब्जी के लिए लहसुन पालक वगैरह धनिया वगैरह सब, बाकी ये घर है इधर का कुछ ऐसे नजारा है। उधर हमारे भाई सब रिलेशन के बैठे, वो देखो भाई, चलो वहाँ बरती आए गए, चलो ए भाई जान, चलो कॉफी वगैरह का भी इंतजाम किया गया था, पानी पूरी के लिए। अरे भैया फ्री पड़ रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना लड़ाई कर लोगे यार, देखो सारे बराती भी है, ये इतने लोग आ रहा तो कर रहा है, ये कुछ नजारा। चल तो और दूल्हे कहाँ बैठा, वहाँ पानी वगैरह रखा हुआ, बिस्लरी वगैरह,
तो भाई नाश्ता वगैरह हो गया, जितने भी बराती थे अब कोई बचा नहीं है, बस अभी कुछ ही देर में निकाह होगा। तो भाई ये देखो इधर सारे लोग खा रहे हैं, बाकी ये देखो, तो ये देख लो भाई, इधर सब लोग खा रहे हैं, बाकी ये इधर। कि मुसलमान होने का मतलब गोश्त खाना नहीं है, मुसलमान होने का मतलब लुंगी पहनना नहीं है, मुसलमान होने का मतलब टोपी लगाना नहीं भाई है। वहाँ पे निकाह वगैरह होने जा रहा है, जो आप जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब रसूल का नामा वगैरह लिख रहे हैं, तो अपनी मर्जी पर न चल कर के अल्लाह की मर्जी पे चला जाए। इस ये हर शादी में होता है, ये हर शादी में होता है, इसको कोई नहीं रोक सके। जहाँ लड़के हुआ ऐसे होता, हर गांव में होता, देख लो दुश्वार की है सारे लड़के। अरे चाचा आप आगे बढ़ गए, नहीं तो छोड़िए ना। ये चीज हर गांव में होता, हर जगह होता है, अगर कोई नहीं रोक सकता है। वगैरह तो डन हो चुका, अब बच्चे खाने वाले जो रिश्तेदार है, जो भी क्लोज दोस्त यार है दूल्हे के, वो लोग बच्चे अभी कुछ देर में उनका भी हो जाएगा, और आपको दिखाते ये सब खा रहे हैं इधर थोड़ा सा। भाई जितने बराती थे खा पी के निकल रहे धीरे धीरे, ये देखो एक गाड़ी निकल चुकी और सब लगी है लाइन में। लास्ट टेबल बचा है जो आप देख सकते हमारे पीछे लगा, अब हम भी चल रहे यार खाना खा ले, क्योंकि खाए नहीं है। सर आपको बाइक का दिखाते हैं, आने की सारी खुशी मिल गई। YouTube चैनल चलाते छोटे छोटे हैं, किस टाइप का वीडियो बनाते हो बाबू? अरे कॉमेडी टाइप का। अच्छा यहाँ आओ तुम बताए। तो भैया इनकी बात सुनो, ये जो बनाते हैं ना वीडियो, तो इनके गांव वाले क्या कहते हैं भैया, आप ही बता दो क्या कहते हैं आपके गांव वाले? भैया कहते हैं कि कब्र में जाकर भोगेंगे। भोगेंगे काहे? अरे भैया कह रहे हैं सब लोग, वही सब कह रहा कहा था। तो एक भाई तो सब कहा कर, तो मैं बनाऊंगा, मैं बना रहे हैं भैया, तो बना रहे हैं हम लोग। हाँ चुप चुप। हाँ तो बताओ यार, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो यानी कि गांव तक पता हो गया, इतने इतने बच्चे हैं कि YouTube चैनल यानी इन लोग को भी पता हो गया कि YouTube से पैसा कमाया जा सकता है, बस थोड़ा मेहनत है, थोड़ा पेशेंस है। इतना बड़ा बच्चा है यानी मुश्किल से 10-12 साल का हो, लेकिन इसको भी पता है। लेकिन गांव वाले आसपास के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि जब मर जाओगे तो कब्र में भोंकोगे, तुमको क्या 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 कहते हैं अजाब लगेगा, तो क्या अजीब अजीब बातें करते। तो ये बच्चे डर के कह रहे हम डर गए इसलिए नहीं बनाते हैं, और लेकिन चुपके चुपके तब भी बनाते। बताओ ऐसा ऐसा हाल है, ऐसा ऐसा गांव में है आदमी लोग की कह रहे हैं भाई। बताओ यार अभी वो सब बना के छोड़ दिए तो हम लोग को कहते हैं छोड़ दो। हाँ यानी वो लोग भी बनाते थे क्या? हाँ बनाते थे, वो उन लोग छोड़ दिया तो बोल रहे हैं कि वो आप... तुम हाँ वो तुमको क्या कहते हैं ना, बता दे तुमको क्या कहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ पाओ। हाँ ये बोल रहे हैं अब नहीं आगे, वो सब बड़े तो उनको लोग को छुड़ा रहे हैं। हाँ देख लो, बताओ इतना इतना बड़ा लड़का है भाई, तुम बनाओ कुछ नहीं होता है। हाँ। बस कोई गलत चीज ना करना। हाँ। समझ में? गलत चीज नहीं कर रहा हूँ भाई, बस हंसी मजाक हो रहा है। हाँ हंसी मजाक वाला वीडियो डाल दिया करो, कॉमेडी टाइप का। हाँ। समझ में? जैसे नाच गाना डांस वाला ना डाला। हाँ, डाला सही है भाई। लेकिन जो जैसे ये सब्बू अब्बू बनाते हैं। हाँ, उस टाइप का बनाओ। उन लोग को जानता हूँ। हाँ उस टाइप का बनाओ। हाँ,
क्या कहते हैं गाँव वाले की गाँ वाले भाई जेल जाओ काहे जेल जाएंगे वीडियो नहीं बनाओ अच्छा वीडियो नहीं बनाओ भाई हम लोग वीडियो मत बनाओ नहीं डाल मत भेजो यही तक रखते वीडियो को मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना।